नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में बंद किए जा सकते हैं स्कूल। केंद्र सरकार ने राज्य को जारी करके नया निर्देश दिया है। बता दें कि बिहार में स्कूलों को बंद किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। कोरोना वायरस एवं शीतलहर को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य को अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो स्कूल सुबह में नहीं चले और आवश्यकता पड़ने पर बंद किए जाएंगे। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देश को मद्देनजर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक श्रीकांत शास्त्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को शिक्षा एवं SS को निर्देश दिया है। हालांकि अभी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा है, लेकिन पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2 से 3 दिनों में तापमान इस हद तक नीचे जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यदि तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो इसे शीतलहर की स्थिति मानी जा सकती है। बता दें कि इसके मद्देनजर में कोरोना की स्थिति से बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। जी हां, स्कूलों को सैनिटाइज करवाएं और सैनिटाइज कराने के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और BDO का सहयोग लें। इसमें कहा गया है कि यदि तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो इसे शीतलहर की स्थिति मानी जा सकती है, जिसको मद्देनजर जाड़ा में कोरोना की स्थिति से बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। स्कूलों को सैनिटाइज करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं और बच्चों को एक एक बेंच छोड़कर बैठाने का निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। 7 डिग्री से कम तापमान को शीतलहर की स्थिति माना जाता है। शीतलहर के कारण स्कूल बंद करना पड़े तो संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक को, शिक्षक, बच्चों और अभिभावकों को सूचना तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र और अन्य सूचना माध्यम का सहारा ले सकते हैं। शीतलहर से बचाव का दिशा निर्देश या पोस्टर के रूप में विद्यालय को सूचना करें और लगाया जाए। लंच के समय बच्चों को बाहर बहुत कम समय तक खेलने की अनुमति ना दे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कहा है कि बच्चों को पीने के लिए पानी का व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। स्कूल में किसी बच्चे की तबीयत खराब होने पर तत्काल अभिभावक को इसकी सूचना दी जाए। साथ ही बचाव के लिए कई सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 पर।